चंडीगढ़ से खुशी ने पूछा है, पूछती हैं हम कैसे हमेशा उत्साह और उमंग में रहें, कृपया मार्गदर्शन करें। जैसे आनंद के चार आयाम हैं, चार तल हैं, वैसे ही उमंग के भी चार तल हैं। पहले आनंद के चार तल जान लोगे तो उमंग के चार तल जानना बड़ा आसान हो जाता है। आनंद के चार तल क्या है? शरीर के तल पर प्लेजर है, सुख है, शरीर के तल पर है। मन के तल पर क्या है? मन के तल पर हैप्पीनेस है, प्रसन्नता है। और फिर हृदय के तल पर, दिल के तल पर क्या है? खुशी है, प्रफुल्लता है। ऐसे ही आत्मा के तल पर क्या है? आनंद है, अकारण खुशी है। ठीक ऐसे ही उमंग के भी चार आयाम है। शरीर के तल पर क्या है? ऊर्जायित रहना है, इनर्जेटिक रहना है शरीर के तल पर। मन के तल पर क्या करना है? मन के तल पर उत्साह में रहना है, जील में रहना है, उत्साह ये मन के तल पर रहना है। फिर हृदय के तल पर क्या, हृदय के तल पर क्या होना है? उल्लास, दिल में एक उल्लास होना चाहिए। और फिर आत्मा के तल पर उमंग है, अर्थात अकारण उत्साह है, अकारण उत्साह है, उसका नाम उमंग है। तुम पूछते हो कि हमेशा उत्साह और उमंग में, अर्थात कि मन के तल पर कैसे हम उमंग में रहें, और उमंग का अर्थ कैसे आत्मा के तल पर उत्साह में कैसे रहें। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जब तुम साधना कर रहे हो तो हमेशा उमंग में, एक उमंग में रहने वाला व्यक्ति ही अच्छा साधक हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी एक शब्द में कहते हैं, उमकियो हियो मिलन। वो मन में एक उमंग है कि कैसे प्रभु से मिलन हो। जब तक उमंग नहीं होगा, न तो समाधि होगी, न सुमिरन होगा, न ध्यान घटित होगा, न साक्षी। तो हमको उमंग और उत्साह में रह करके रहना है, ताकि संसार में भी हमारा जीवन सुंदर हो जाता है और अध्यात्म में भी हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि क्या करें। पहली बात यह है कि ये हम पांच तत्वों से जुड़े रहें। तुम जानते हो पांच तत्व, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। ये पांच तत्वों से जो कट जाता है, और अधिकतर आज तक जैसे पुराने जमाने में चप्पल पहनने का घर में तो कम से कम रिवाज नहीं था, आजकल हम लोग घर में भी चप्पल पहनते हैं और पृथ्वी तत्व से कट जा रहे हैं। और जो लोग पृथ्वी तत्व से कट जाते हैं, तुम देखोगे उनके शरीर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है, झटका लगता है। नल को छुओगे, किसी लोहा को छुओगे तो तुमको झटका लगेगा। जब झटका, खासकर जाड़े में अधिकतर लोग मिट्टी से दूर रहते हैं, घर में चप्पल पहन के रहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। अब घर में भी तुम पृथ्वी तत्व से कटे हुए हो, जिनको झटका लगना शुरू हो गया, समझ लेना अब उदासी और डिप्रेशन की शुरुआत हो गई। तो पृथ्वी तत्व से जुड़े रहो, हमेशा उमंग में रहोगे। दूसरा क्या है? जल तत्व। पहले के लोग सरोवर में जाते थे, आहार में जाते थे, पोखर में जाते थे, अब तुम बाथरूम में जाते हो, अभी शावर लेकर के बस जल्दी जल्दी भागे। कम से कम ठीक है, मैं नहीं कहता कि तुम सरोवर और नहर में नहाने और आहार पोखर में जाओ, लेकिन कम से कम एक टब में आराम से, तो नहीं भी टब में तो सही, कम से कम 45 मिनट तो नहाने धोने पर समय दो, ताकि जल तत्व पर और समय मिले। मैंने पश्चिम में देखा है, शनिवार को रविवार को लोग भागे चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? समुद्र में जा रहे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं। तो जल तत्व से जुड़ना है। तीसरा अग्नि तत्व से जुड़ना है। थोड़ा जाड़े में कम से कम धुनी के पास बैठो, जरा आग तापो। गांव में लोग देखते थे आग ताप, और आग तापने से ऊर्जा तुम्हारी ऊर्ध्वगति ले लेती है, तुम उमंग में रहते हो। और धूप सेको, ये भी अग्नि तत्व से जुड़ना है। 40 दिन तक 40 मिनट रोज धूप में अवश्य रहना है, अगर चाहते हो उमंग में रहना। तो जाड़े में 4 महीने का जाड़ा है, ऐसा कर सकते हो। और फिर वायु तत्व, थोड़ा वायु के बीच रहो, बंद बंद कमरे में रहते हो, और वैसे भी आजकल वायु प्रदूषण का जमाना है, तो वायु का तत्व का सेवन करना, तो गहरी सांस लेनी है, खूब गहरी सांस लेनी है। और फिर पांचवा
आकाश तत्व, जरा नीले आकाश को तो देखो, जरा कितना सुंदर आकाश है। और जितना आकाश को देखोगे, सूरज को देखो, चांद को देखो, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं और ये हरियाली ये देख। अच्छा एक और बात है, वृक्ष में ये पांचों तत्व है, वृक्ष से जुड़ो तो पांचों तत्वों से जुड़ जाते हो, तो उमंग में रहो। और दूसरी बात, कुछ नया करो, कुछ नया करो। अगर वही वही पुरानी दिनचर्या चल रही है तो फिर वैसे ही हो जाएगा, जीवन पत्नी की तरह हो जाएगा। याद रखना, कुछ जो है नया करो, कुछ सृजन करो, कुछ गीत रचो, कुछ कविता लिखो, कुछ चित्र बनाओ, और नहीं तो बैठ जाओ और वृक्ष का चित्र बनाओ, प्रकृति चित्रण जैसे अपना प्रकृति चिकित्सा कार्यक्रम में हमारे होता है। तो अगर कुछ नया करते रहोगे, सृजन करते रहोगे, हमेशा उमंग और उत्साह में रहोगे।